आज के वीडियो में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। ये मशीन है JCB 3DX किर्लोस्कर इंजन है। मॉडल भी दिखाता हूँ कब का, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। ये देखो, ये मशीन है, एक बार मॉडल चेक करेंगे। इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों का प्रॉब्लम आ रहा है। इसका ऑयल चेंज किया, इलेक्ट्रिशियन को दिखाया, सब कुछ किया, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। ये देखो, ये जनवरी 2011 का मॉडल है, किर्लोस्कर इंजन है। तो हमने सब कुछ चेंज किया, चेक किया, और ऑपरेटर को पूछा। ऑपरेटर बोल रहा है कि इसका जब उन्होंने ऑयल छोड़ा था उस टाइम पे स्टेनर से मटेरियल निकाला था यहाँ से। आपको भी अगर रिवर्स फॉरवर्ड का प्रॉब्लम आता है, पुराना मशीन है, पावर ट्रांसमिशन का काम कभी नहीं किया, तो यहाँ पे आके आपको ये खोलना है स्ट्रेनर। अभी हम खोलने वाले हैं, लेकिन उस टाइम पे मोबाइल पकड़ने के लिए कोई नहीं होता, ये बहुत सारे प्रॉब्लम है इसके लिए। वो एक्चुअल में नहीं, लेकिन बता रहा हूँ, यहाँ पे 13 का बोल्ट लगेगा आपको, ठीक है। ये खोलोगे, बड़ा वाला बकेट नीचे रखोगे तो इससे ऑयल आएगा, ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, तो बकेट ऊपर से खुला हुआ रखने का, और ये खोलने का, स्टेनर खोलोगे तो इसके अंदर जाली निकलता है। तो उस जाली में अगर कचरा है, कचरा होना नहीं चाहिए बिल्कुल, अगर है तो समझ लेना कि आपका ट्रांसमिशन का काम, क्लच प्लेट का काम निकल चुका है, या फिर हो सकता है ये रेड कलर का ऑयल होता है ज़्यादातर, TQ, और कंपनी का भी आता है वाइट कलर का। बट अगर कोई भी ऑयल हो, उसका कलर अगर जैसे कि मिल्क जैसा हो गया है या चाय जैसा हो गया है, तो फिर भी इसके अंदर पानी जाता है और उसके कारण से ऑयल का कलर चेंज होता है, और उसी के कारण से प्लेट भी जाता है, तब भी आपको इसका ट्रांसमिशन का काम चेंज करना पड़ेगा। अभी कल ही हमने ट्रांसमिशन का काम किया है। एक बार आपको खर्चा में, मेरे पास पुराने बॉक्स पड़े हुए हैं, तो कितना खर्चा आता है वो भी बताता हूँ। कुछ लोग नए होंगे, शायद उनको पता नहीं होगा। अभी इसका भी ट्रांसमिशन का काम करने आए हम, तुमको सिर्फ प्राइस बताता हूँ क्या क्या मटेरियल डाला था। कल हमने एक ट्रांसमिशन का काम किया है, उसका भी वीडियो में बना नहीं पाया हूँ। देखो, ऐसा किट आता है, ठीक है, तो ये कंपनी का किट है। यहाँ पे प्राइस देखो, 11,972 रुपये, मतलब अभी थोड़ा प्राइस कुछ, ये पुराना स्टॉक है तो नए का प्राइस 12,000 कुछ समथिंग हो चुका है। उसमें सारा प्लेट आता है, देखो काउंटर प्लेट 10 आता है, फ्रिक्शन प्लेट 10 आता है, डिस्पिंग आता है 2, पिस्टन आता है, फिर ये ओरिंग्स है बहुत सारे, सील रिंग है, गैसकेट बिस्किट सब कुछ आता है। ये चेंज करना पड़ता है लगभग, जिसकी प्राइस आपको 12,000 रुपये जाती है, चाहे आपका मॉडल कोई भी हो, जिस भी थ्रीडी हो, यही किट आता है उसमें, ठीक है। इसको रखते हैं साइड में, और ये है चार्जिंग पंप। कुछ कुछ मॉडल में चार्जिंग पंप भी ख़राब होता है, तो इसका भी एक बार प्राइस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, 12,221 रुपये, 12,000 इसका पकड़िए, और 12,000 रुपये इसका, लगभग 24,000 रुपये मटेरियल में खर्च आ ही जाता है, अगर आप जेन्युइन काम करना चाहते हैं तो। और लोकल, यही लोकल डालोगे आप, मतलब जैसे कि HP का डालोगे, रोबोट का डालोगे, अदर कंपनी का डालोगे, तो खर्चा आपका लगभग आधा हो जाता है। मतलब आपका जहाँ पे 25,000 खर्चा आना है, वहाँ पे आपका 12-13,000 में ही हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अब जो हम डेली काम कर रहे हैं ऐसा, तो जो हमारे मेंबर्स आएंगे, जो ट्रेनिंग के लिए लोग आएंगे, उनको सारी ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि मटेरियल कहाँ से ख़रीदना है, कस्टमर को आगे कितने में बेचना है, कौन सा मटेरियल ज़्यादा दिन तक चलता है, कौन सा मटेरियल कुछ दिनों तक चलता है, मतलब 6 महीने, साल में, 1 साल, कौन सा मटेरियल 5-5, 10-10 साल चलता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन बंदे को बताएंगे हम। उनको ट्रेनिंग में सब कुछ पता चलेगा, ट्रांसमिशन नीचे कैसे लिया जाता है, ऊपर कैसे लगाना है, जितने भी आसान तरीके है मटेरियल खोलने के, जुगाड़ है, वो सब कुछ वो बंदे को ट्रेनिंग में पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।